हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री की इस क्लास में। आप देख रहे हैं जय टेक्निकल क्लासेस और मैं जेपी शर्मा आज आपके लिए क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री पार्ट 1 की स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। तो बिना समय गवाएं हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें आप सबका प्यार, आशीर्वाद और मोटिवेशन मिलता रहे एवं चैनल के माध्यम से आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम लोग क्लास 11 की केमिस्ट्री के पार्ट 1 के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं कि आज के हमारे प्रमुख शिक्षण बिंदु क्या है। पहले हम परिचय करेंगे कि रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान का जीवन के विभिन्न क्षेत्र में क्या महत्व है, द्रव्य के तीन अवस्थाओं के अभिलक्षण उनके बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन उसके बारे में जानेंगे और लास्ट में वैज्ञानिक संकेत सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा परिचय कि रसायन विज्ञान क्या होती है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ के संगठन कि किस प्रकार के कणों के द्वारा वह बना हुआ है, उनकी संरचना क्या है, उसके जो गुण है चाहे वह रासायनिक हो या भौतिक गुणधर्म हो, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ रासायनिक प्रक्रिया के दौरान इनमें हुए जो परिवर्तन है उनका भी अध्ययन करते हैं। और जितने भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है आपको बताएं, वो मौलिक अवयव, किसी भी पदार्थ के जो मौलिक अवयव होते हैं जैसे कि परमाणु और अणु, उनके माध्यम से ही अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। यही कारण है कि रसायन विज्ञान को परमाणु और अणुओं का विज्ञान कहा जाता है। और अब हम जो देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का क्या महत्व है। तो स्टूडेंट, हम मौसम विज्ञान से स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनको यूज करते हुए हमें मौसम विज्ञान के बारे में पता चलता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं या ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, एसी ड्रेन के बारे में स्टडी करते हैं। ये सारी प्रोसेस क्यों हो रही है और उसका क्या इफेक्ट है हमारे लाइफ पे, ओजोन का जो डिप्लेक्शन हो रहा है, वह सब हम रसायन विज्ञान की वजह से ही जान पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे कि मस्तिष्क की कार्य प्रणाली। तो स्टूडेंट, जो मैसेज ट्रांसफर होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में, वह किसके माध्यम से होता है, वह होता है एक्सॉन, डेंड्राइट के मध्य में जो भी स्पेस होते हैं उसमें कुछ केमिकल सेक्रेट होता है, उसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी आ गई केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वजह से हम यह कह सकते हैं कि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली वह इसी की वजह से होती है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग, कंप्यूटर संचालक, इसमें भी आपका केमिस्ट्री यूज होती है। हार्डवेयर जो यूज होता है उसके बाहर की चीज़ें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से कनेक्टेड होती है, बट जो सॉफ्टवेयर को हम डील करते हैं वो सॉफ्टवेयर, उसमें केमिस्ट्री के काफ़ी प्रिंसिपल यूज होते हैं। डेन अम्ल क्षार और लवण से आप भली भांति परिचित होंगे। साथ ही साथ उर्वरक जो खेतों में यूज होता है ये सभी केमिकल्स कंपाउंड होते हैं। डेन बहुलक जिसको पॉलीमर कहते हैं, बहुलक का तो हमारे डेली लाइफ में काफ़ी यूज है, जैसे बाल्टी बोटल्स जो कपड़े फाइबर्स से बने होते हैं वो भी बहुलक होते हैं, जो टायर्स होते हैं वो सब के सब बहुलक होते हैं, जो दवाएं होती हैं जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं कि वो भी केमिकल कंपाउंड होते हैं, जैसे कि पैरासीटामॉल, एस्पिरिन हो गया। यहाँ पर कुछ और भी दवाएं हैं जैसे कि टैक्सोल, AZT, एजिटोथायमिन, इसके पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है। साबुन है, अपमार्जक है, डेट इज अ डिटर्जेंट, ये भी केमिकल कंपाउंड है जिनका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा धातु एवं मिश्र धातु। धातु हमें नेचर से मिलती है, अयस्क से मिलता है, उसे किस प्रकार से उसका निष्कर्षण किया जाता है, इसमें काफ़ी प्रिंसिपल केमिस्ट्री के यूज होते हैं। डेट इज हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का तो महत्व है ही है, साथ ही साथ देश के इकोनॉमी में भी रसायन विज्ञान का इम्पोर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं, द्रव्य की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर। द्रव्य मेनली तीन प्रकार से भौतिक अवस्थाओं में पाई जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस।
ठोस में जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, अंतर आणविक बल काफ़ी ज़्यादा होती है। द्रव में आणविक बल ठोस से कम होता है और गैस में तो सबसे कम। ठोस का निश्चित आयतन और आकार होता है, द्रव्य का कोई निश्चित आकार तो नहीं होता, बस जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र का वह आयतन ले लेता है। गैस कोई निश्चित आयतन कोई निश्चित आकार नहीं होता, बस जिस पात्र में रखा जाता है उसका आयतन गैस का आयतन हो जाती है। अब हम देखेंगे कि जो द्रव्य की अवस्थाएं हैं जिसकी स्टडी की थी हमने, या उस पर टेम्परेचर या प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कोई ठोस है उसको आप गर्म करेंगे तो वह द्रव में चेंज होगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आइस। आइस को गर्म करने पर जल में चेंज होगा, फर्दर गर्म करेंगे तो गैस में चेंज हो जाती है। क्लियर। और फिर अगर इसको आप ठंडा करेंगे तो हाई प्रेशर भी लगाएंगे तो ये जो है द्रव में चेंज हो जाएगा, और द्रव को अगेन ठंडा करेंगे तो ठोस में चेंज हो जाएगा। क्लियर। और ठोस को डायरेक्टली गैस में चेंज करें तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं, जिनको हिंदी में ऊर्ध्वापातन क्रिया कहते हैं। अगर गैस को ठोस में चेंज करना है तो वो भी हम इसी प्रोसेस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जिसे नौसादन कहते हैं, कपूर पूजा में यूज करते हैं, उसे जब जलाते हैं तो वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस फॉर्म में चेंज हो जाती है। नापलिन बॉल्स जो हम लोग सर्दियों के कपड़े रखते हैं सेफ करने के लिए, सब सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, द्रव्य का वर्गीकरण क्या है। द्रव्य कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है उसमें कुछ द्रव्यमान होता है, उसे द्रव्यमान या द्रव्य कहते हैं। द्रव्य फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाइड हुआ है, पहला है मिक्सर और दूसरा है प्योर सबस्टेंस। मिक्सर में दो या दो से अधिक पदार्थ के कण आपस में किसी भी रेशियो में मिले होते हैं, उसे हम मिक्सरर कहते हैं। मिक्सरर के जो भी अवयवी पदार्थ होते हैं उनको आप फिजिकली या केमिकल मेथड द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। शुद्ध पदार्थ में क्या होता है, उसमें जो भी कण होते हैं वो रासायनिक तौर पर एक जैसे होते हैं, उनका संगठन भी समान होता है, बट उनको अगर पृथक करना हो तो भौतिक विधि से नहीं कर सकते, केवल रासायनिक विधि से ही पृथक कर सकते हैं। आइए मिक्सर को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, समांगी मिश्र दूसरा विषमांगी मिश्र। समांगी मिश्रण में जो कंपोजिशन होती है वह यूनिफॉर्म, समांगी मिश्रण में कंपोजिशन जो होती है वो आपकी यूनिफॉर्म होती है। कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि कोई अवयव कहीं ज़्यादा होगी तो कोई अवयव कहीं पे बहुत ज़्यादा कम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पे समान यूनिफॉर्म कंडीशन में होंगी, एक जैसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल चीनी और पानी का विलय, विषमांगी में एक समान कंपोजिशन नहीं होते हैं जिसे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहेंगे। एग्जाम्पल आयरन और सल्फर का ले सकते हैं, लोहे का छीलन और सल्फर का पाउडर दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, विषमांगी बनेगा। समांगी मिश्रण को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं जबकि विषमांगी मिश्रण को नग्न आंखों से ही हम देख सकते हैं। आइए शुद्ध पदार्थ को देखते हैं, और इसे भी फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, तत्व और यौगिक, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट में सभी जो पार्टिकल्स होते हैं एक प्रकार के होते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कॉपर सोडियम, ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट हैं। यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2, यह भी क्या हमारा, यह भी एलिमेंट है। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन यह भी एलिमेंट है, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल के सेम एटम्स हैं हमारे, ठीक है, और इसके मॉलिक्यूल्स को मिला के हम बनाए हैं, क्योंकि एक समान परमाणु और एक ही प्रकार के परमाणु है, इसलिए हम इसको एलिमेंट कहेंगे। नीचे यहाँ पे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स, दोनों अलग अलग एटम्स हैं और दोनों को मिला के हमने वाटर बनाया, तो ये चीज़ें क्या है हमारी, कंपाउंड है। क्लियर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, जैसे हाइड्रोजन ज्वलनशील है, जलता है एक पॉप साउंड के साथ, ऑक्सीजन भी जलने में सहायक होता है, बट जब H2O बन गया तो कोई चीज जल रही है उसे बुझाने के काम आता है, डेट इज अ प्रॉपर्टीज एकदम चेंज हो जाती है। जिन तत्वों से यौगिक बना है तत्वों की प्रॉपर्टीज अलग होती है और यौगिक की अलग हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन।
तो किसी भी पदार्थ को पहचानने के लिए कई बार हम उनके गुणधर्म का पता होना चाहिए। तो द्रव्य को दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म किसी पदार्थ के जो है उसे मापने और देखने के लिए हमें पदार्थ की पहचान संगठन को परिवर्तित किए बिना ही मापा जा सकता है, इस गुण को भौतिक गुणधर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि। रासायनिक गुणधर्म अगर हमें किसी पदार्थ का मापना है तो वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होगा ही होगा, तभी हम उस पदार्थ में जैसे कि अम्लता, क्षारता, ज्वलनशीलता। उदाहरण के लिए एक कागज ले तो उसकी क्या लंबाई होगी, उसकी क्या चौड़ाई होगी, किस रंग का होगा, क्या उसका कुछ गंध होगा या कुछ घनत्व होगा। तो यह सारी चीजें भौतिक प्रॉपर्टीज है। अगर हमें यह देखना है कि एक कागज जो है वह ज्वलनशील है कि नहीं है, तो इसके लिए हमें कागज को जलाना पड़ेगा और फिर उसके बाद केमिकल चेंजिंग होगी, फिर बाद में हमें राख मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इन गुणधर्मों को मापने की जब आवश्यकता हुई तो स्टार्टिंग में इंग्लिश मैट्रिक सिस्टम यूज किया जाता था जो काफी पॉपुलर था। फिर एक आवश्यकता महसूस हुई कि एक इंटरनेशनल सिस्टम चलिए मात्रकों की, जो पूरे विश्व में यूज होती हो, एक जैसी हो, जिसको हम बोलते हैं SI यूनिट। तो हम यहाँ पर कुछ आधार भौतिक राशि ले रहे हैं और उनका जो SI मात्रक है उसके बारे में भी यहाँ पर देखेंगे। तो पहला है लंबाई, इसे स्मॉल L से डिनोट करते हैं और SI यूनिट मीटर है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का SI यूनिट किलोग्राम है। देन समय का SI यूनिट सेकेंड होता है। देन इलेक्ट्रीकरण, विद्युत धारा का SI यूनिट एम्पियर है। ऊष्मागतिकी, तापक्रम, उसका SI यूनिट केल्विन है। पदार्थ की मात्रा मोल, SI यूनिट, और ज्योति तीव्रता की मात्रा कैंडेला है। तो ये सारी चीज़ें कुछ बेसिक फिजिकल हमने क्वांटिटीज बताएं और उसके यूनिट बताएं। इसी SI यूनिट सिस्टम में कुछ प्रीफिक्स होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। जो सबसे ज़्यादा यूज हम डेली लाइफ में करते हैं वह है किलो वाला। अगर किलो लिखते हैं तो उसका गुणांक 10^3 होगा, मतलब अगर किलोग्राम से ग्राम में चेंज करना है तो 10^3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10^3 से डिवाइड करना होगा। ओके, ऐसे ही आपको पूरी टेबल लर्न करनी है। एक्टो का जो गुणांक क्या होगा, 10^-24। फेमटो का क्या होगा, 10^-15। पीको का क्या गुणांक होगा, 10^-14। न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज होते हैं पीको का। नैनो का क्या होगा, 10^9। माइक्रो का क्या होगा, 10^-6। इस तरीके का पूरा टेबल आपको लर्न करनी होगी। चलिए उसी के बेस पर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो आपको बुक में दिया हुआ है। ए पूर्व लग्न और गुणांक दिए हुए हैं, इसको आपको मैच कराना है। फर्स्ट आपका है माइक्रो, सेकेंड है डेका, थर्ड है मेगा, फोर्थ है गीगा और फिफ्थ है फेमटो, और यहाँ पे आपके गुणज दिए हुए हैं। तो माइक्रो, माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 10^10 क्या होती है, 10^-6। ओके, डेका, डेका की वैल्यू आपने क्या लिखा है, 10^6। ठीक है, अब मेगा, मेगा गीगा, 10^5। फेमटो का 10^-15 और माइक्रो का क्या है, 10^-6 है। क्लियर, ध्यान से सुनिए, जो माइक्रो का है वो 10^-6 है और डेका का 10 और मेगा का 10^6 और गीगा का 10^9 और फेमटो का 10^-15। ये आपके करेक्ट आंसर होंगे। फिर आइए हम देखते हैं इसके आगे के टॉपिक्स को। नेक्स्ट है हमारा द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान जिसको मास और भार जिसको वेट कहते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान को मास और भार को वेट कहते हैं। द्रव्यमान किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है, इसका मान स्थिर होता है, यह स्थान के साथ बदलती नहीं है। वेट,
किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल होता है। गुरुत्व बल स्थान के साथ बदलता रहता है, इसलिए वस्तु का भार भी अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई वस्तु है उसका वेट धरती पर लीजिए और उसी वस्तु को चांद पर ले जाकर वेट लेंगे, तो जो डिफरेंट आएगा, जो वेट धरती पर था वो चांद पर उसका 1/6 वेट आएगा। इसका फार्मूला जो होती है वेट की, वो W=mg, वेयर W डिनोट वेट, बट G से मल्टीप्लाई करते हैं तो G की वैल्यू जो होती है अलग अलग स्थान पर अलग अलग होती है। एसिलेशन ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होती है, लेकिन मास हमारी कांस्टेंट होती है। इस वजह से वेट क्या होती है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग होती है। इसकी SI यूनिट किलोग्राम होती है, जैसे 1 kg = 1000 ग्राम। क्योंकि केमिस्ट्री में कई बार छोटी यूनिट हम ज़्यादा यूज करते हैं, तो 1 ग्राम भी इसकी यूनिट है। देन उसके बाद आयतन और घनत्व के बारे में स्टडी करेंगे। आयतन, किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो लेंथ का क्यूब होता है। तो अभी पढ़ चुके हैं कि लेंथ की SI यूनिट मीटर होती है, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन का मात्रक अगर छोटी यूनिट लेना है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और छोटी यूनिट लेना है तो इसे, बड़ी यूनिट लेना है तो इसे मीटर क्यूब में हो जाएगा। यहाँ पर रिलेशन देखेंगे तो मीटर और लीटर में क्या रिलेशन होती है। 1 L = 1000 ml और 10 cm = 1 dm एंड 1000 cm = 1 dm। ये जो इक्विपमेंट है फिगर में जिन्हें आप देख रहे हैं, इनका भी यूज हम लैब में करते हैं। पहला जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है यह है ब्यूरेट, सेकेंड प्रीपेड एंड थर्ड मेजरिंग सिलेंडर, और जो लास्ट में आपको दिख रहा है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। इससे हम वॉल्यूम को मेजरमेंट करते हैं। आगे देखते हैं डेंसिटी, जिसको घनत्व बोलते हैं। किसी पदार्थ का घनत्व उसके पर यूनिट वॉल्यूम का मास होता है, डेट मीन्स कि उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। अगर फार्मूले में हम देखें और रखें तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, इसकी SI यूनिट kg पर मीटर क्यूब है। अगर स्मॉलेस्ट यूनिट यूज करेंगे तो किलोग्राम की जगह को हम ग्राम लेते हैं और मीटर की जगह को सेंटीमीटर लेते हैं, तो जो हमारी यूनिट निकलेगी वह होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर मापने के 3 सामान्य पैमाने होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फारेनहाइट और केल्विन, जिसको SI यूनिट कहा जाता है। यहाँ 3 थर्मामीटर दिए हुए हैं, पहला केल्विन, दूसरा सेल्सियस और तीसरा फारेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड थर्मामीटर का रेंज 0 degree से 100 degree होता है। डिग्री फारेनहाइट 32 degree से 212 degree होती है, और केल्विन का वैल्यू 273.15 से लेकर 373.15 तक होती है। यहाँ पर 2 फार्मूले यूज किए हुए हैं जिससे आप डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को डिग्री फारेनहाइट में चेंज कर सकती हैं या फिर केल्विन में चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा फार्मूले, डिग्री फारेनहाइट = 9/5 °C + 32 एंड सेकेंड फार्मूले केल्विन °C + 273.15। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आपका टेम्परेचर 100 है तो डिग्री फारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा, तो °C = 100 °C = 9/5 × 100 + 32 = 5 से 100 को काट देंगे तो 5 × 2 = 10 और 0 ओके, तो 9 × 20 + 32 ओके, तो 180 + 32 = 212 °F। सिमिलरली यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर 100 °C दिया हुआ है तो केल्विन में चेंज करने के लिए, जो केल्विन °C + 273.15 दैट
वी गेट द फाइनल वैल्यू केल्विन इज इक्वल 373.15, राइट। तो ए आंसर हमारा केल्विन में है और ए आंसर हमारा किस में है, फारेनहाइट में आ रहा है। इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे और कई न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ होता है कि डिग्री सेंटीग्रेड में दी हुई वैल्यू को एसआई में चेंज करना होता है, तो आपको ये फार्मूला यूज करना होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक संकेतन, डेट इज ए साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टूडेंट, जब हम केमिस्ट्री में जो डील करते हैं वो बेसिकली एटम्स और मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं, और जो एटम्स पार्टिकल्स है जैसे कि न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ये और भी छोटे हो सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत छोटी क्वांटिटीज किसी पदार्थ की ले रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में उसके परमाणु या अणु उपस्थित होंगे उस पदार्थ में। क्लियर, जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें कि जस्ट 2 grams ऑफ हाइड्रोजन ले रहे हैं तो उसमें यह संख्या, इतनी संख्या जो है उतने उसमें अणु उपस्थित होंगे। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार अगर हम लें तो उसका जो भार है ग्राम्स में वो ए होगा, जो कि आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है। अगर आपके सामने बेस्ट एग्जाम्पल रखे तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। इन डिजिट के साथ आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना हो, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना हो तो डिफिनेटली रॉन्ग कर पाएंगे आप, डिफिनेटली गलत होगा। तो इसका एक सॉल्यूशन लिया गया, इतनी बड़ी डिजिट को केमिस्ट्री में सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली उनको हम साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि n इंटू 10^9। इसका जो फॉर्म है, इसका जो प्रारूप है n इंटू 10^n, ओके। ये जो n है इसकी वैल्यू 1.000 से 9.999 तक रेंज होती है, रेंज कर सकती है, ओके। तो n इंटू 10^n है, जो n आपके चर घातांक है, जो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो चलिए इस एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 232.508 दिया हुआ है। इसे साइंटिफिक नोटेशन में हमें चेंज करना है, ओके। तो इसको चेंज करने के लिए डेसिमल है, उसे 2 के पास शिफ्ट करना है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट डिजिट और उसके बाद डेसिमल आएगा, और उसके बाद एक या दो डिजिट लिखने के बाद 10^5 लिख देते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल को 2 digit लेफ्ट से राइट प्लेस करने के कारण 2.32 × 10^2 10^5 पॉजिटिव होगा। अगर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि 0.00016 को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए डेसिमल को राइट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेंगे तो 4 स्थान तक शिफ्ट होने के कारण 1.6 × 10^-4 होगा। डेट मीन्स अगर कोई डेसिमल दिया है तो उसे लेफ्ट शिफ्ट करने पर प्लस, अगर आप राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो आप 10^-माइनस में लिखेंगे। अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन में देखें तो इसे हम 6.022 × 10^23 अणु लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल को बाएं साइड में शिफ्ट किया गया है। और ऐसे ही हाइड्रोजन के एक परमाणु भार को 1.66 × 10^-20 ग्राम लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल को राइट में शिफ्ट किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इजी हो जाएगा गुणा भाग करना। अगर साइंटिफिक डिजिट में नोटेशन है, फॉर एग्जांपल 5.6 × 10^5 मल्टीपल 6.9 × 10^8, दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। ये जो आपको बेस डिजिट है इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो आपके एक्सपोनेंट्स है जिसको पावर बोलते हैं इनको आप ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर 338.64 × 10^13 स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। बस साइंटिफिक नोटेशन में हमें कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल को बाएं साइड में शिफ्ट करेंगे, तो जो पावर आपका होगा जब भी हम राइट से लेफ्ट की ओर डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो पावर हमारी इंक्रीज हो जाती है, पॉजिटिव में हो जाती है। तो 3.8 × 10^14 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, फिर डिवाइड करना है तो 2.7 और 5.5 को डेसिमल में आपको डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा। बट जो ये 10^4 ऊपर लिखा हुआ है
ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि नीचे पॉजिटिव में था। अगर पॉजिटिव में रहा होता तो वो निगेटिव होता ऊपर जाके, लेकिन नीचे आपके पॉजिटिव में है तो ऊपर जाके क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर? और नीचे अगर पॉजिटिव में हो जाती है तो ऊपर जाके निगेटिव होगा। ये सिंपली आपके आंसर आ गया। और यहाँ पर जो माइनस है, -3 and -4 ऐड हो जाएगा तो फाइनली -7 हो जाएगा। और साइंटिफिक नोटिफिकेशन में करेंगे तो 4 के बाद एक प्लस शिफ्ट होगा तो निगेटिव में एक डिजिट इंक्रीज हो जाएगा, -7 की जगह -8 हो जाएगा। इसी प्रकार योग करना है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पर कुछ एक्सपोनेंट्स हैं वो दोनों टाइम्स के सेम करने होंगे, बट यहाँ पर दोनों के सेम, यहाँ पर डिफरेंट हैं। तो पहले सेम वाले ले लेते हैं। अगर डिजिट को ऐड करना है तो सिंपली ऐड करेंगे, 10^4 को कॉमन ले लेंगे तो ये कॉमन आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो पहले एक्सपोनेंट को सेम करेंगे तो 2.5 × 10^-2 को रहने देंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और 4.8 को डेसिमल के बाएं शिफ्ट करेंगे तो 0.48 × 10^-2 होगा। दोनों एक्सपोनेंट सेम है इसलिए सिंपली 10^-2 को कॉमन लेंगे और 2.5 − 0.48 को हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और फाइनली इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारा आंसर आएगा वह हमारा किसके फॉर्म में आएगा, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में आ जाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।